हमारे पूर्वज सूर्य की पूजा करते थे और वो बेवकूफ नहीं थे। सूर्य और जब आज से 4 या 5 अरब साल बाद सूर्य का सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इसकी गैस ठंडी हो जाएगी और प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। सूर्य का अंदरूनी हिस्सा बाहरी परतों के वजन को संभाल नहीं पाएगा और उसका टूटना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज अमर नहीं है, तारों की भी मौत होती है। 10 अरब सालों तक हाइड्रोजन एटम के फ्यूजन से पैदा हीलियम केंद्र में जमा हो जाएगी। सूर्य के वजन को संभालने लायक न्यूक्लियर फायर खत्म होने से इसका केंद्र भी टूटने लगेगा और इतना गर्म हो जाएगा कि हीलियम के एटम्स में फ्यूजन होने से कार्बन और ऑक्सीजन बनने लगेंगे। सूर्य का केंद्र पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसका एटमॉस्फेयर तेजी से फैलना शुरू कर देगा। अगले 1 अरब सालों तक ये अपने पहले वाले आकार के 100 गुने से भी ज्यादा बड़ा रहेगा और रेड जायंट स्टार बन जाएगा। आगे फैलते हुए ये ग्रहों को अपनी चपेट में लेगा, पहले बुध और फिर शुक्र। और हो सकता है पृथ्वी भी। मुझे लगता है ऐसा होने में अभी करोड़ों साल हैं, और जब इतना पहले पृथ्वी पर जीवन पैदा हो गया है तो तब तक इंसान तारों के बीच कोई नया घर भी तलाश लेगा। लाइक फॉलो सब्सक्राइब सभी कर दीजिए। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊंगा और